नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। केवड़िया कॉलोनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में जल शक्ति अभियान नाटक की कार्यशाला को आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनिकेत पंड्या ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई थी। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिंसिपल शैफाली सिंह के साथ स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद था। जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदा द्वारा आज की अहम नाट्य कार्यशाला शुरू करवामां आवी छे, जेमां हूँ आवीने बाळकोने नाटकना विविध स्वरूपो अने नाटकमां रहेली विविधताओ विशे मार्गदर्शन आपीश अने जळ शक्ति उपर ने लईने एक नाटक करीशुं, के जेथी करीने आजना समाजमां आजना जमानामां ज्यारे जळना जे जळाशयो छे, जळना जे पण रिसोर्सिस छे जे डिप्लीट थई रह्या छे અને એના લીધે આવનારી પેઢીને કેવી તકલીફો ભોગવવી પડે છે તેના વિશે અમે અવેર કરીશું। સાથે સાથે એ સંદેશ આપીશું કે આને આપણે કેવી રીતે બચાવી શકીએ છીએ અને આ જળને આપણી આવનારી પેઢી પણ વાપરી શકે તેવું કેવી રીતે રાખી શકીએ છીએ એનું નાટક દ્વારા આપણે એનું મંચન કરીશું। તત્પશ્ચાત 20 દિવસની આ કાર્યશાળાની અંદર તેમને બોડી લેંગ્વેજ, વોઇસ એક્ટિંગ, એક્સપ્રેશન, પોઝિશનિંગ, લાઇટ્સ, મ્યુઝિક આવા વિવિધ વિષયો ઉપર માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે અને આ બધા જ આ 20 દિવસની જે આખી કાર્યશાળા છે એમાંથી જે શીખ્યા છે એ વસ્તુ લઈને એ લોકો આગળ નાટક પ્રસ્તુત કરશે। આજ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય મેં હમે નાટક કરને કા એક બહોત બડા અવસર મિલા હૈ જિસમે જલ શક્તિ કે વિષય પર હમે નાટક કરના હૈ ઉસમે હમે અનિકેત સરને બહોત સારા માર્ગદર્શન દિયા कि हमें नाटक कैसे करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आवाज़ कैसी होनी चाहिए हमारी, या एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। आज जल में जल बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ देखे वहाँ जल की कमी हो रही है और लोग जल के बिना मर रहे हैं, तो उसी विषय पे हमें एक नाटक करना है और उसमें लोगों को यह एक संदेश देना है कि हम जल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।